नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए दो रेसिपी लेके आई हूँ, वो भी मेरी स्पेशल चीज़ी सॉस की, जो आपको मैंने पिछले रेसिपी में शेयर की थी। आप जाकर उधर देख सकते हैं, या तो इस वीडियो में भी मैंने शेयर किया है, आप देख सकते हैं। पहले बटर के साथ हमें मैदे को भूनना है, उसमें ऑनियन ऐड करना है। ऑनियन का फ्लेवर काफ़ी टेस्टी लगता है इस रेसिपी में। फिर हमें दूध डालना है, दूध डालकर हमें इसे गाढ़ा होने तक पकने देना है। फिर अपनी फेवरेट वेजीज इसमें ऐड करनी है। मैंने इसमें कॉर्न, कैप्सिकम, टोमेटो और ऑनियन को ऐड किया है, साथ ही नमक, ओरिगानो को डालकर उसे अच्छे से मिक्स किया है। जब वो थोड़ा गाढ़ा हो गया, तब मैंने इसमें टोमेटो सॉस और सेजवान चटनी, जो मैंने घर में बनाई थी, उसे ऐड कर दिया। और मैंने इसमें चीज़ डाल दिया है, ताकि ये सॉस काफ़ी टेस्टी और क्रीमी लगे। आप देख सकते हैं कि मेरे सॉस गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। मेरी ये रेसिपी मैंने पिछले रेसिपी में भी दिया था, आप जाकर उसे ज़रूर ट्राई करें, वो रेसिपी भी काफ़ी टेस्टी है। यहाँ पर मैंने 3 पोटैटोस को श्रेड करके लंबे लंबे लच्छे ले लिए हैं, आप देख सकते हैं। मैंने इसके अंदर नमक, ओरिगानो और काली मिर्च को ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें मैदा डाल दूँगी। मैदा डालकर मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मिक्स कर मैं इसे पैन पर अच्छे से फैला दूँगी। हमें शुरू में इसमें ऑयल नहीं डालना पैन में, हमें बाद में इस पर ऑयल डालकर इसे दोनों तरफ से अच्छे से सुनहरा होने तक भुनना है। आप देख सकते हैं ये पोटैटो चिल्लास मेरे काफ़ी अच्छे से रेडी हो गई है, ये काफ़ी सॉफ्ट बनती है। अब मैं इसमें अपने वेजी वाइट सॉस को डाल दूँगी और इसे अच्छे से फैला कर मैं इसमें चीज़ घस दूँगी। ये काफ़ी टेस्टी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और ये काफ़ी झटपट बन जाती है, घर की चीज़ों से ही बन जाती है। ये बच्चों को काफ़ी अच्छी लगेगी, आप इसे स्टार्टर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, अब मैंने इसके ऊपर दूसरी पोटैटो चिल्ला को ऐड करके इसे दोनों तरफ से हमें सेक लेना है। ये काफ़ी टेस्टी रेसिपी है, अब देख सकते हैं ये कितनी सॉफ्ट और अच्छी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब मैं अपनी दूसरी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। मेरी दूसरी रेसिपी में मैंने मैदे के अंदर ओरिगानो और नमक डालकर उसका एक बैटर बनाया है, जिसे मैं डोसे की तरह फैलाकर उसे क्रिस्पी होने तक सेक लूँगी। ये बन गया हमारा टाकोस का शेल। अब मैं इसके अंदर अपने क्रीमी वेजी सॉस को भर लिया है। अब मैं इस पर सॉस डाल रही हूँ और मिक्स हर्ब्स के साथ मिक्स किए हुए ब्रेड क्रम्स ऐड करूंगी और ऊपर से चीज़ डालकर इसे 5 मिनट तक सेक लूंगी। ये टाकोस खाने में काफ़ी क्रिस्पी और टेस्टी होते हैं। इसे मैं अपने बच्चों को टिफ़िन में भी देती हूँ, ये काफ़ी क्रिस्पी और टेस्टी होती है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, ये काफ़ी जल्दी बनने वाला स्नैक्स है। अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लग रही है, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट ज़रूर करें। तो फिर कल मिल